से वो है पूर्वांकरा अनिल जी, रियल एस्टेट कंपनी है साउथ बेस्ड की, और मुझे इतना समझ में आ रहा है अनिल जी कि अभी 97 के आसपास चल रहा है, बहुत ही स्ट्रांग बेस बना है। अगर आप स्टॉक का देखेंगे तो 90-60 की रेंज में बहुत ही ब्यूटीफुल वीकली चार्ट के ऊपर लार्ज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, और इसका जो टारगेट आ रहा है अनिल जी 140 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है 84 के स्टॉप लॉस से पूर्वांकर आप खरीदना चाहिए, टारगेट रहेगा 140। अनिल जी अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो 2200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, लास्ट 3-4 साल का सेल्स ग्रोथ वगैरह मैटर नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी है एंड इट हैज नॉट डन गुड। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो लग रहा है वैल्यूएशन के पैरामीटर पे, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 के नीचे का डेट टू इक्विटी व्हिच इज 0.74 जो रियल एस्टेट कंपनी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। 80 रुपए का अनिल जी बुक वैल्यू एज पर द अवेलेबल डेटा, तो मेरे हिसाब से दैट इज अ वेरी स्ट्रांग मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ यू आर लुकिंग। जो स्ट्रांग चीज मुझे लग रही है अनिल जी वो है कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी हैज ट्राइड रिड्यूसिंग इट्स डेट, और अब जब अगर अपसाइकिल आ रहा है रियल एस्टेट का तो मुझे लग रहा है कंपनी विच इज ट्रेडिंग एट अ 1x ऑफ बुक वैल्यू शुड बी अ वेरी वेरी गुड बाय, और वीकली चार्ट के ऊपर इतना लार्ज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, मुझे लगता है 140 कंजर्वेटिव टारगेट के लिए पूर्वांकर और खरीदना चाहिए। 80 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो बुक वैल्यू है मुझे लगता है 85 के आसपास आए तो और एड करना चाहिए। दिस इज लुकिंग फैंटास्टिक फ्रॉम अ 1-2 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू।